बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ताकतवर चुकंदर की मिल्क शेक की रेसिपी लेके आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही हेल्दी एनर्जी वर्धक चुकंदर की मिल्क शेक की रेसिपी लेके आई हूँ। इस आपको पता है कि चुकंदर में विटामिन बी, विटामिन सी, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छी मात्रा में ये रहते हैं। तो अगर आपको बहुत जल्दी थकान आता है तो आप इस तरह का मिल्क शेक ज़रूर पीजिए, ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो अब ये बच्चे से लेके बड़े तक सभी को बहुत ही पसंद आएगा, ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने चुकंदर लिया है और ये चुकंदर आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। हेल्दी बीटरूट मिल्क शेक बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने दो चुकंदर लिया है और अब दो चुकंदर को हम आगे पीछे से कट कर लेंगे। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया और अब हम छील लेंगे। तो ये देखिए एक तो मैंने यहाँ पर छील लिया और इसी तरह हम दूसरा वाला भी छील लेंगे और ये देखिए दूसरा वाला भी मैं छील धो लेंगे, छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी ये मिल्क शेक होता है और मैंने बताया कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हमारे खून को भी साफ़ करता है। तो इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो ये देखिए इसको अब हम बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर एक सस्पेन में मैंने रख दिया है और इसको ढक के हम 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में अच्छे से पकाएंगे। लो फ्लेम में आपको पकाना है तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो बस देखिए इस तरह से हम लो फ्लेम में पका रहे हैं। तो अभी 1 से 2 मिनट हुआ है और इसको फिर से हम ढक के पकाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुका है। और इधर देखिए मैंने मिश्री लिया है और ये चुकंदर है, तो मिश्री भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आपको पता है कि 100 ग्राम चुकंदर में 7 ग्राम शुगर होता है, तो इसलिए आप चीनी नहीं लीजिए, आप इसमें मिश्री लीजिए। और ये जो मैंने चुकंदर बॉयल करके रखा है इसका हम एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। मैंने एक मिश्री के साथ इलायची भी पीस लिया है और अब हम देखिए चुकंदर को डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने चुकंदर डाल दिया है और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही हेल्दी इसका मिल्क शेक बनता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका पेस्ट एकदम रेडी है, बहुत ही अच्छा कलर आया है और इस पेस्ट को आप बना के रख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने मलाई लिया है, गाढ़ी मलाई ली है और इसमें हमने 1 बड़े गिलास दूध डाल दिया है। तो इस पेस्ट मलाई और ये दूध मैंने डाल दिया है और अब हम इस तरह से मिल्क शेक बना लेंगे। तो बहुत ही हेल्दी, आपको मैंने बताया कि ये एनर्जी वर्धक ये मिल्क शेक है, तो ये एकदम रेडी हो चुका है और अब हम इसको एक ग्लास में डालेंगे। तो बहुत ही फ़ायदेमंद ये चुकंदर का हेल्दी जूस एकदम तैयार है और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो बस इसके ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है। हेल्दी बीटरूट मिल्क शेक एकदम रेडी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।